इंडियन न्यूज 24 आवर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आईडी विस्फोट, 4 पुलिसकर्मी शहीद। बारामूला उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हुए आईडी विस्फोट में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये धमाका बारामूला के सोपोर में हुआ है। यह हमला पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में 3 दुकानें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। राइएनएस को एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पूरे घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने बारामूला जिले के सोपोर में छोटा बाजार और बड़ा बाजार के बीच स्थित गली में एक दुकान के निकट आईईडी लगाया था। पुलिस कर्मी अलकावादियों द्वारा प्रायोजित हड़ताल को देखते हुए इलाके में गश्त कर रहे थे। मोर विजुअल्स फ्रॉम बारामूला, वेयर 4 पुलिसमैन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर एन आईईडी ब्लास्ट बाय टेररिस्ट्स इन सोपोर जम्मू कश्मीर। pic.twitter.com लीव राफेल अनी अटानी। January 6, 2018। ये धमाका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर हुआ है। इस मामले में बाकी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है अलगाववादियों ने 1993 में सुरक्षा बलों द्वारा जनसंहार में मारे गए 57 लोगों की हत्या के विरोध में बंद बुलाया था। वीडियो गुनहगार अब तक गिरफ्तार नहीं। क्या आरोपी को बचा रही है सरकार? हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।